वेलकम टू द नेक्स्ट व्लॉग। यू आर वाचिंग ओम मिल्की व्लॉग्स। तो गाइस मैं बता दूं कि आज से इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाला, मतलब 7th of November से। तो गाइस देखो, ये 7th of November से स्टार्ट हुआ है मेरा इंटर्नशिप, मैं आज बना रहा हूँ। आज ये व्लॉग आप लोग देखने वाले हो, तो मैं आज ही ये व्लॉग को मैं एडिट करके डालने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम जरा सा भी नहीं मिला था। एकदम जरा सा भी बोले तो जरा सा भी नहीं, एक घंटा भी ऐसा हो कि ना मेरे को टाइम मिले जो कि मैं ना एडिट कर सकूं, ऐसा कुछ टाइम ही नहीं मिलता था। क्योंकि मैं 17-16 घंटा 15 घंटा ऐसे करके ही मैं रोज काम करके आता था। उसके बाद मैं खुद ही थक जाता था, उसके बाद घर का थोड़ा सा कुछ काम रहता था या फिर सोना होना, मैं कब जाके सोऊं। तो मैं ये सब बात आज बताने वाला हूं मैं कि क्या क्या किया इतने दिन के अंदर में। मैं लगातार 12 दिन काम किया, उसके आज मेरे को छुट्टी मिला। 12 दिन के बाद आज मेरे को छुट्टी मिला, तो मैं आज बताने वाला हूँ मैं क्या क्या किया। देखो गाइस, सबसे पहला गाइस बात है कि मेरे को मज़ा तो बहुत आ रहा है। मैं बता दूँ कि मेरे को मज़ा बहुत आ रहा है, बट क्या करें, थकावट भी बहुत है। कितने मेरे साथ मतलब बैंक्वेट में है, मेरे को अभी सबसे पहला काम मिला है बैंक्वेट में। और मैं बता दूँ कि ज़्यादा मैं ना फ़ोन लेकर के जा नहीं सकता था, क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं है अंदर, वो फ़ोन जमा हो जाता है। तो मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं सकता था, तो मैं फिर भी कोशिश किया था बनाने की, मैं बनाया भी हूँ एक दिन। मेरे को तो रात में मतलब कि कितने 2 दिन के लिए हम लोग ओडिसी था जो कि दीघा में, तो वो दीघा गया हुआ था मैं 2 दिन के लिए। तो वहाँ का भी वीडियो मैंने वहाँ का भी लिया है, किसी का इंगेजमेंट था, मतलब गेस्ट ने इंगेजमेंट रखा हुआ था तो उसकी पार्टी था, तो उसमें भी गया हुआ था। तो फिर वो दिखा वाला भी आगे आप लोगों को ब्लॉग में सब कुछ मिल जाएगा देखने को कि कहाँ कहाँ क्या मस्ती किया। तो उसके बाद एक दिन वहाँ पहला दिन था सेटअप का, तो वो सेटअप किया। उसके बाद फिर यहाँ घर आया, तो घर तो आ नहीं पाया था क्योंकि मेरे को दिखा से आया 2 बज गया। उसके बाद फिर हम लोगों को फिर सुबह 6 बजे उठ करके फिर जाना था, तो फिर सोचा मैं रूम आने से फिर ज़्यादा लेट हो जाता, तो फिर मेरे को होटल के लिए रूम मिला। देखना वो भी दिख जाएगा आप लोगों को कि ना हम लोग रूम में स्टे किए हुए थे, वो भी आपको देखने को मिलेगा। मज़ा आने वाला है गाइस, आगे आप लोगों को व्लॉग में पूरा मज़ा आने वाला है, तो देखना वो भी मज़ा आएगा। और मैं अपना कुछ कुछ ही दिखा सका क्योंकि मेरे को ज़्यादा फ़ोन अलाउड नहीं था, क्योंकि रेस्टोरेंट में मतलब कि फ़ोन ले जाना होटल में अलाउड नहीं है, जरा सा भी नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग संभाल लेना, मगर फिर भी मैं बनाया हूँ जहाँ तक मेरे को मौका मिला था, तो मैं वो चीज़ किया ही हूँ, आप लोग भी देख लेना। और उसके बाद चलो मैं बता देता हूँ, अब पॉइंट की बात करते हैं हम लोग कि पॉइंट की बात ये है। देखो गाइस, मैं पहला बात बता देता हूँ, होटल इंडस्ट्री में काम बहुत करना पड़ता है, बहुत काम। जो अभी अगर टिक गया ना अच्छे से, तो वो फिर समझ जाओ कि उसका लाइफ बन गया। मैं बता देता हूँ कि हम लोग 12 आदमी थे मतलब बैंक्वेट में, और सबसे टफ काम होता है बैंक्वेट में, सबसे ज़्यादा टफ मतलब फ्रंट ऑफिस और ये हो गया, फ्रंट ऑफिस हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, एफपी मतलब किचन के लिए, और बैंक्वेट तो सबसे ज़्यादा टफ जो काम होता है वो होता है बैंक्वेट में, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ही चक्की पीसना पड़ता है गाइस। देखो यहाँ पे बैंक्वेट में बैंक्वेट वाले को बहुत सारा काम रहता है, जैसे देख लो आप लोग खुद ही देख लो, बैंक्वेट में इतना सारा काम रहता है, इतने सारे एम्प्लॉय होने के बाद भी लगता है फिर भी काम अधूरा है। अभी मेरे को जैसे कि 3 दिन से मैं देख रहा हूँ, मेरे को मिल रहा था किस चीज़ में, नाइट शिफ्ट था शुरू का, मतलब मैंने किया 9 दिन कम से कम किया, वो डे शिफ्ट था। उसके बाद मैं नाइट शिफ्ट किया, 3 दिन से भी मेरा लगातार नाइट शिफ्ट चल रहा। उसके बाद आज पता नहीं मेरे को कैसे छुट्टी दी है ये लोग, तो मेरे को आज टाइम मिला, तो मैं सोचा चलो आज व्लॉग को ये मैं बना हुआ है जो भी है, तो मैं इसे एडिट करके डाल दूँ। मैं जब दिखा गया था ना, तो इतने दिन में मैं लगातार 36 आवर काम किया, लगातार 37 मैंने किया, मतलब कि 37 में बस मेरे को 2 घंटा सोने को मिला है, और 35 आवर्स में लगातार काम किया हूँ, लगातार कंटिन्यूसली। हाँ ऐसा था, बहुत गंदा मेरे साथ ये हुआ कि देखो जिस दिन मैं आया दीघा से, वो फर्स्ट दिन मैं सेटअप किया, पहला बात फर्स्ट दिन मैं सेटअप किया। उसके बाद फिर मैं आया 2 बजे 3 बजे 3 साढ़े 3 बजे 3 बजे सोया था मैं, उसके बाद 5:30 बजे उठा, फिर मेरे को 6 बजे रिपोर्ट करना था नीचे क्योंकि ब्रीफिंग था। तो फिर मैं वहाँ पे देखो, उसके बाद फिर मैं वहाँ से आया, बहुत मतलब काम करना पड़ा था। और मैं बता दे रहा हूँ, मैं हम लोग 12 थे बैंक्वेट में, जिसमें से कि 3 ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। फर्स्ट 4 दिन पहले 4 दिन काम किया उसने, और वो छोड़ चुके हैं 4 आदमी। देखो मैं बताऊँ तो मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा ये हुआ, जैसे मेरा
पैर भी कटा, हाथ कटा, बहुत सारा चीज़ हो चुका है गाइस। अभी तक में मेरे साथ भी पैर भी सूज जाता था, क्योंकि इतना काम करना, सॉक्स पहने और वो शू पहन करके कंटिन्यूसली इतना, मतलब 14-15 घंटा 16 घंटा रोज का रहना, वो थोड़ा दिक्कत हो जाता था। तो फिर देखो अभी ऐसे अभी ठीक है, मेरे को ना दिक्कत किसी दिन भी नहीं आया, मगर अभी रिसेंटली मेरा, मैं कल की बात बता रहा हूँ, कल मेरे ऊपर मतलब कि पैर के ऊपर ट्रॉली गिर चुका था, तो दिक्कत हो गया। मैं बताऊँ तो बताऊँ क्या, मगर मज़ा तो आता है बहुत ज़्यादा, क्या ही कर सकते हैं। कोई कोई आदमी है, कोई कोई सीनियर है हमारे कुछ कुछ, जो कि वो हमें ऐसे हो वैसे हो, मैं फिर भी मैं सबके साथ मस्त रहता हूँ, सबके साथ मस्त रहता हूँ। मैं ये सब बात को बुरा नहीं मानता हूँ। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ परसों की बात, क्योंकि परसों बाहर में मैं ना जितने दिन में हूँ, मतलब कि मैं जितना 2-3 दिन ही बस मैं ना ऐसे वैसे काम किया, उसके बाद मैं ना बाहर में ही रहता हूँ हमेशा, क्योंकि मेरे को बाहर का काम मिला है तो मैं बाहर का ही काम करता हूँ। मज़ा आता है, गेस्ट को भी हैंडल करने में मज़ा आता है, मेरे को गेस्ट भी ऐसे ऐसे मिलते हैं, मज़ा तो बहुत आता है मेरे को। देखो एक तो मज़ा बहुत आ रहा है बाहर में रह करके, क्योंकि मैं ऐसा ऐसा मनाता हूँ ना पैग, मेरे को कुछ नहीं पता था, लिटरली बता रहा हूँ मैं, मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि ना कैसे क्या होता है, कैसे बनता है अल्कोहल, कैसे ड्रिंक बनाते हैं, मगर अब मेरे को सब पता चल चुका है गाइस, कैसे कौन सा बनाना चाहिए, क्या कौन कौन सा वोट का है, कौन सा विस्की है, कौन सा रम है, ऐसे मतलब मेरे को बहुत सारा धीरे धीरे पता चल गया। मॉकटेल बनाना, कॉकटेल बनाना भी मैं बहुत सीखा, मॉकटेल भी बनाना मैं अच्छा अच्छा सीखा, ये सब मेरे को सिखाया है कौन, एक मेरे सीनियर है रुपम दा, बहुत अच्छे है गाइस, वो सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छे है गाइस, ये सब मेरे को वो इतने अच्छे से बताते हैं ना, तो मेरे को ना बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। वो है एक और एक है सिंथल दा, मतलब ये दोनों है ना बहुत अच्छे है, बाहर के लिए अगर किसी को अगर कुछ सीखना है तो इससे अगर बात कर ले, बहुत मज़ा आ जाएगा गाइस। तो चलो गाइस आप लोग ब्लॉग को आप इंजॉय करना, मेरे को जितना बताना था मैं बता दिया, अगर मेरे को टाइम मिले तो मैं और भी बात बताऊंगा, बहुत सारा बात है। मेरा डेली रूटीन तो ऐसा ही है, मतलब सुबह उठो, काम में आओ, उसके बाद फिर सीधा रात में आओ, मतलब इंटर्नशिप करना एक मज़ा भी है अच्छा भी है, मेरे लिए तो अच्छा है, मज़ा तो आ रहा है, मेरे को बहुत सारा चीज़ सीखने को भी मिल रहा है। चलो देखते हैं, अभी कुछ दिन तो बैंक्वेट में, कम से कम 2-2.5 महीना तो, अभी मेरे 6 महीने का है तो 2-2.5 महीना तो मैं बैंक्वेट में ही रहने वाला हूँ, उसके बाद देखते हैं गाइस कहाँ मिलता है, किचन में मिल जाए मेरा, जो आप लोगों को पता ही है किचन के लिए मेरा क्या है, तो वो अगर मिल जाए तो मेरे को बहुत मज़ा आ जाएगा, देखते हैं अभी, मज़ा तो ऐसे बहुत आ रहा है। चलो फिर आप लोग इन्जॉय करो ब्लॉग को। ये देखो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं JW मैरियट, ये देखो मैरियट, ये देखो ये है मैरियट और वो ITC, वो वाला रहा ITC। ये देखो गाइस ये है JW, देखा देख रहे हो JW, वो देखो गाइस वो रहा ITC, देखा, और ये देखो देखिए गाइस, और ये रहा हाईवे, और ये रहे मेरे सारे फ्रेंड्स, और भी आ रहे लोग। धीरे धीरे अब अंदर घुस रहा हूँ, देखता हूँ, ये बैक एरिया है, ये बैक एरिया वाला है, चलो दिखाता हूँ मैं, ये देखो बैक एरिया कुछ ऐसा सा दिखता है, वो देखो सारे वहाँ पे भाई लोग खड़े हुए, मुझे मिला है क्या, पाव भाजी मिला है खाने के लिए कैंटीन में अभी, तो मैं अभी पाव भाजी खा रहा हूँ, देखो सब खा रहे हैं ये लोग, मेरे सब सारे दोस्त पाव भाजी, देख रहे हो ये है JW मैरियट का कैंटीन है, देख रहे हो भाई मैरियट का कैंटीन। ये देखो गाइस ये है मेरा अभी लंच, लंच में मेरे को मिला है ये, और ये देखो मैरियट, और ये देखो सारे अभी लंच कर रहे हैं, और मैं दिखाऊंगा आप लोग को सीधा, क्योंकि अंदर में तो मेरे को अलाउड नहीं है कि ना मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को कुछ।
साहब मेरा छुट्टी हो चुका है। देख रहा JW का ये और ये रहा फट गई। चलो फट गई फर्स्ट डे चलते हैं। हेलो यस हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो चलते हैं। वो देखो ITC देखना ITC देखना है। वो देखो ITC ITC रॉयल बंगाल कौन ना तुल्ली तो। चलो गाइस सीधा चलते हैं बाय बाय। ये देखो गाइस JW मैरियट ठीक गया वोड़ा ITC। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ दूसरा कहाँ जा रहा हूँ दूसरा जा रहा हूँ टाइम खुद नहीं मिलता था तो मैं दिखाता हूँ आपको। कुछ अब आजवाज नहीं आता होगा क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ निकला मैं जा रहा हूँ ट्रक से। ठक्कर हाउस जहाँ मैं आया था ये देखो जहाँ मैं आने वाला था ये यही जगह है। देख ठक्कर हाउस देख रहे हैं ये वाला गाड़ी मेरा इसमें पूरा सामान पैक है पूरा बैंक्वेट का सामान है। और ये रहा मेरा दोस्त देख रहे हो। बस अभी अंदर चलेंगे देखते हैं कैसा है। ये है मतलब बैंक्वेट टाइप का है एक मारवाड़ी है रिजॉर्ट टाइप का ये ठक्कर हाउस देख रहे हो गाइस। ये यहाँ पे हम लोग आज बजने वाला है। देखो गाइस यहाँ पे अभी बहुत काम है कल भी आना है हमको। गाइस ये देखो रहा स्विमिंग पूल और ये यार ये देखो दोनों पी रहे हैं क्या सेवन अप दारू है ब्रो सेवन अप के अंदर दारू है। हाँ पी ले अच्छा से पी लियो। गाइस बहुत सारा सामान हम सबको उठाना पड़े हैं। ये देखो वाइपिंग चल रहा है अभी इतना सारा वाइपिंग ये रहा। और इधर चाय बन रहा है देख रहे अभी पूरा सेटअप करना है। चलो जल्दी से सेटअप करके फिर दिखाएंगे आप लोगों को मैं कहाँ पे सेटअप करने वाला हूँ अभी। गाइस ये देखो हम लोग का सेटअप हो चुका है ये यहाँ पे ये सब लग चुका है देख रहे हो काउंटर। रात में बज गया है 12। चलो अभी सीधा हम लोग चलते हैं पहुँचने में हम लोग को लग जाएगा अभी 2 बज जाएगा तो सीधे पहुँच करके मिलते हैं। चलते गाइस फिर सुबह 6 बजे आना है हम लोगों को। देख रहे गाइस ये रहा पार्किंग एरिया। अभी हम सबको भूख लगी हुई थी बहुत तेज की तो हम लोग रुके हुए हैं बिरयानी खाने के लिए। ये देख रहे हो सब बिरयानी खा रहे हैं तो चलो मैं अभी खाना स्टार्ट करता हूँ। ये देखो गाइस ये मेरा होटल का मेन गेट है जहाँ से गेस्ट एंट्री करते हैं। ये देखो मेरा होटल JW मैरियट देख रहे हो। अभी रात हो रहा है आज कोई डिनर नहीं था। ये देखो बैंक्वेट है। ये देखो गाइस ये गंगा यमुना सरस्वती तीन बैंक्वेट है तीनों को अगर खोल देंगे तो फिर हो जाएगा। ये पी ये JW मैरियट देख रहे हो गाइस। अभी मैं दीघा से आया लोगों को मिला है मस्त एकदम रूम क्योंकि बंगर में जगह खाली नहीं था। मिला है डबल बेड वाला रूम और एक एक्स्ट्रा बेड हम लोगों ने मंगाया है 5 आदमी है। देखते हैं गाइस रूम कैसा है। मज़ा तो ऐसे बहुत आया। ये देखो रूम और ये रहा सीनियर और ये रहा बाथरूम ये रहा दोस्त। ये देखो गाइस ये बाहर का सीन देख रहे हो बाहर का ऐसा कुछ दिखता है मैरियट से। आज होटल का रूम मिला है सब देखो देख रहे हो। यहाँ पे नीचे अमित सो जाएगा और यहाँ हमारे सीनियर सो जाएंगे। और इधर बाहर का ये सीन। और इधर जाएगा अभी तेरा भाई कपड़ा पड़ा चेंज करेगा बैग से।
बना लेते हैं। गाइस देख रहे हो आज हम लोग को मिला है, मतलब अभी बताया था मैं कि मैं अभी आया था कहाँ से, दीघा से आया जस्ट, तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा सोने के लिए। तो चलो आज हम लोग को मिला है होटल का ही रूम मिला है, बहुत मजा आएगा। उन्हें गंदा करके जाना है, मतलब पैसा सुन लेना है मैंने कहा। तो चलो सीधा देख रहे सब सो है, और एक रहा ये अमीन और ये रहे सीनियर। मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ अभी, थोड़ा सा इनका कंडीशन खराब है देख रहे हो। हिमांशु दा एक बार हाई कर दो। दिखाई दिया है, टूर करवा दिया, देखो मेरे को रूम जो ऐसा मिला है, दो बेड है, डबल बेड है दो, तो, और ये रहा देख रहे हो वहाँ पे बाथरूम ऐसा सूल। अभी अपन लोग किए हुए कुछ पिज्जा पेस्ट्री ये सब किए हुए हैं, तो चलो सीधा मिलते हैं फिर सुबह, क्योंकि सुबह हम लोग को फिर से जाना है दीघा, क्योंकि वहाँ पे ओडीसी है अपना। तो चलो भाई सीधा मिलते बाद है। चलो मैं जल्दी से कपड़े चेंज कर लूँ, कपड़े चेंज करके सीधा चलना है अपन लोगों को। चलो गाइस अब सुबह हो चुका है, अब हम लोग भी निकल रहे हैं, तो चेकआउट का टाइम आ चुका है। ये देख रहे हो गाइस क्लियरेंस हो रहा है, और ये देखो मतलब पूरा पार्टी अभी खत्म हुआ है, अभी बज रहा है कितना एग्जैक्ट 5:30 बज रहा है। ये देखो अंदर का कुछ ऐसा है, ये किसी के घर है। और ये गाइस अब इसे अलविदा बोलने का टाइम आ गया था, तो चल रहे हम लोग सीधा अब अपने होटल चलेंगे। देख रहे हो ये था रिजॉर्ट अपना यहाँ पे। चलो गाइस ब्लॉग को इधर ही खत्म करते हैं, बता देना आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू डू शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो गाइस देखते हैं, अगर टाइम मिले तो मैं फिर से ब्लॉग लाऊंगा, क्योंकि मेरे को टाइम तो नहीं मिलता है। जिस दिन छुट्टी रहेगा मैं जरूर लाऊंगा आप लोग के लिए ब्लॉग। तो चलो इतने, बाय बाय।